हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज़ डिस्कशन। हाल ही में पीएम भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? हाउ मैनी जन औषधि केंद्रास हैव बीन एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंट्री अंडर पीएम भारतीय जन औषधि योजना? तो कुल जो स्थापित हुए हैं केंद्र वो है 13,822। हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? दीपा कर्माकर रिटायर्ड सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया गया 5 अक्टूबर को। आंसर इज सी। हाल ही में DRDO ने चौथी पीढ़ी की वायु सुरक्षा प्रणाली वसोराट्स का सफल परीक्षण किया है। वेयर डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट 4th जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम वसोराट? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा राजस्थान में, चौथी पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम है ये। हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट चाइना ओपन 2024? तो ये जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। आंसर इज डी। ये एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभांकर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? द मैस्कॉट ऑफ 8th वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 लॉन्च्ड, व्हाट इज इट्स मैस्कॉट? तो मैस्कॉट का नाम है गुड़िया। आंसर इज ए। किसे 2024 के लिए मेडिसिन का नोबल प्राइज दिया गया है? हु विल बी अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर 2024? तो ये मिला है विक्टर एब्रोस एंड गैरी रूकून दोनों को। सो द आंसर इज सी, और बोथ ऑफ द एबव। और इनको ये मिला है माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए, जो इनकी खोज इन्होंने की थी 1993 में, और ये दोनों ही वैज्ञानिक अमेरिका से बिलोंग करते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ कनेक्ट 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज डेफ कनेक्ट 4.0 ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, और थीम है इंडिया इज अटेनिंग आत्मनिर्भर इन डिफेंस। चर्चा में रहा बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय हूम? तो ये रिलीज किया जाता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल्स? तो ये जो निजुत मोइना स्कीम है ये लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। आंसर इज डी, बालिकाओं को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया है। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, घोषणा भी हुई है? हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द किशोर कुमार सम्मान 2023 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2024? तो किशोर कुमार सम्मान से, सॉरी इसमें डी है, राजकुमार हिरानी जी को सम्मानित किया जा रहा है, किया जाएगा राजकुमार हिरानी को। आंसर इज डी। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? When is Indian Air Force Day celebrated? तो Indian Air Force Day प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। इसकी जो एयर फोर्स है इंडियन एयर फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसी वजह से इस दिन इसको मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट? तो हाइड्रोजन मिश्रण योजना को जो शुरू की गई है, इसको शुरू किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। आंसर इज सी। हाल ही में नेपाल के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल? तो ये है प्रकाश मान सिंह। आंसर इज सी।
हाल ही में किसे जर्मनी में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी? तो इनका नाम है अजीत विनायक गुप्ते, आंसर इज बी। India's fifth lunar mission LUPEX has been cleared. It will be in partnership with which country? तो LUPEX launch होगा, ये mission मतलब cleared हो गया है कि ये mission जाने वाला है, और ये किसके साथ partnership की करके हमने किया है? ये हमने partnership की है जापान के साथ। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली निर्यात के लिए समझौता किया है। नेपाल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इंडिया। तो ये बांग्लादेश के लिए किया है, आंसर इज ए। मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा में आए हैं? मोहम्मद मोइजू इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु इज ऑन अ 4 डे विजिट टू इंडिया? तो मोहम्मद मोइजू बिलोंग करते हैं मालदीव से, 4 दिवस की यात्रा पर आए हैं। ओडिशा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? व्हाट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन ओडिशा? तो ओडिशा में जो संख्या हो गई है वो है 696, और तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टाइगर और लेपर्ड दोनों की ही सबसे ज़्यादा संख्या है, मतलब पूरे भारत को देखा जाए तो। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बथुकम्मा जो त्यौहार है ये भारत के तेलंगाना में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी मनाया जाता है, स्पेशली तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में भी मनाया जाता है। और बथुकम्मा जो है ये एक फूलों का त्यौहार है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.